नमस्कार, आप देख रहे हैं रतम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। मोदी सड़ने वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है। बता दें कि राहुल गांधी ने वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में रायपुर के दौरे पर है। यहाँ पीएम ने 7,600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण की शुरुआत भी की, तो अनंतगढ़ से रायपुर चलने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गाँव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची है। भारत सरकार ने यहां करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजना स्वीकृत की है। इसमें सबसे लगभग 3,000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी है। साथ ही पीएम ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ दो इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस क्षेत्र का भाग्य बदलने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंजानिया में जांजीबार में स्टोन टाउन का दौरा किया। इस दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों से बात करते हुए जयशंकर ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि आईटी मिशन आज दोनों देश की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को संबोधित करता है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं। भारत तंजानिया संबंधों के केंद्र में भावना की एकजुटता और हितों की पारस्परिकता है। भारतीय समुदाय ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच संबंधों की ताकत का मुख्य स्रोत रहा है। भारतीयों से उन्होंने कहा कि आप सभी तंजानिया में रहते हैं, तंजानिया में काम करते हैं। तंजानिया जाने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों के रूप में मुझे लगता है कि आप अपना सिर ऊंचा रख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारे रिश्ते, हमारी साझेदारी आपके रोजमर्रा जीवन में बदलाव लाएगी। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को लेकर चल रहे विवाद में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया है। अरिंदम बागची ने कहा कि संधि को दरकिनार करते हुए अवैध और समानांतर कार्यवाही को मान्यता देने या उसमें भाग लेने के लिए भारत को मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे भारत का तर्क है कि सिंधु जल संधि के ढांचे के तहत विवाद की जांच पहले से ही एक तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है। ऐसे में किसी भी मध्यस्थता न्यायालय में मुद्दे की सुनवाई की जरूरत नहीं है। बता दें कि तटस्थ विशेषज्ञ की आखिरी बैठक 27 और 28 फरवरी को हेग में हुई थी, वहीं अगली बैठक सितंबर में होने वाली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करने के विरोध में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। दरअसल इस महीने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने अपने बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था। अकरम ने कहा कि यह एक विसंगति है कि बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की नवीनतम रिपोर्ट में भारत शामिल नहीं है, जिस पर भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर आशीष शर्मा ने कहा कि मेरे देश के खिलाफ एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए गए राजनीति से प्रेरित और ओछे बयानों पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भारत के संबंध में इन जहरीले बयानों पर प्रतिक्रिया देकर उन्हें महिमा मंडित नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कट्टरता में डूबे लोगों के लिए बहुलवाद समाज को समझना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि भारत इन ओछे बयानों को खारिज करता है और इनकी भर्त्सना करता है। असम के 8 जनजातीय उग्रवादी समूह से जुड़े लगभग 1,182 कैडरों ने बृहस्पतिवार को आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में आयोजित समारोह में उन्होंने अपने हथियार और गोला बारूद पुलिस को सौंप दिए। सीएम ने हथियार डालने वाले सभी उग्रवादी समूहों का स्वागत किया और समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए बधाई दी है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर और खासकर असम में शांति स्थापना के लिए यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि इन समूहों में ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिटेंट ऑफ असम, आदिवासी पीपल्स आर्मी जैसे संगठन शामिल हैं।